कुसुम रोसई घरे ता स्वामी पाई नास्ता तैयारी करूथिला तेबे ताहार स्वामी फोन रे कथा हेई ऑफिस पाई बाहरिला। अच्छा ठीक अछि मु पहुंची जीबी, कुसुम कहिला अरे रुहंतु मु आपण को पाई नास्ता तैयारी करिछि। विवेक ताहार कथा सुनिलानी आउ ऑफिस पाई चली गला। तेबे ताहार चारिकाली ननंद टेबुल रे बसी डाक छाड़िले, भाउज शीघ्र मते नास्ता दियो, कॉलेज पाई डेरी होउछि परा, आपण को पाई मते प्रतिदिन डेरी रे ऑफिस पहुंचिबा को पड़ुछि, ए परि चलिले ऑफिस रु सेमाने मते बाहर करि देबे। अरे भाउज एमिति पुतुला होई काही कि ठिया हेलो, शीघ्र आम को नास्ता दियो, कुसुम कहिला हाँ हाँ एबे नहीं कि आसुचि। कुसुम चारि ननंद को आनी नास्ता देला आउ सेमाने खाइले। अरे बा भाउज तुम्हें तो भल नास्ता तैयारी करिछ। कुसुमर चारिकाली ननंद मध्यरु प्रिया केवल ताकु ठीक रे चिन्ही पारिथिला, बाकी तीन जन कुसुमर सुंदरता पाई ताठारु दूरे रहुथिले। नास्ता करिसारी तीन ननंद सेमाने चलीगले, केवल प्रिया रहीगला। प्रिया घरे छोट छुआ को ट्यूशन करुथिला। गोटे दिन कुसुम ताहार ननंद प्रिया को कहिला, प्रिया मते काहे कि एपरि लागुचि तुम भाई मते भल पाउनाहांती, से मो सह अधिक समय बिताउनाहांती। एहा सुनी प्रिया ता भाउज को किछि कहि पारिलानी। तेबे एही समय रे विवेक जणे महिला को बरबधु बेसरे तांको घरे देखि सेमाने आश्चर्य होइगले। विवेक कहिला अरे प्रिया एही देख तो नुआ भाउज। प्रिया कहिला तुम्हें एपरि काहीकि कल भाई, कुसुम भाउज को तुम्हें एत बड़ धक्का देल। विवेक कहिला अरे तू कहा को भाउज कहुचु, ए गाउली मो समय के को नुहे, मो अंजलि को भल पाए, आज ठारु अंजलि तो भाउज। यह शुणी कुसुम कांदिबा को लागिला आउ कहिला मो थाउ थाउ तुम्हें मोर सौतुणी नहीं आसिल, अरे मो पाखरे कौन कम थिला। विवेक कहिला मु तोते भल पाए नाही, माँ कहिबा परे मु तोते बाहागर होइतिली, माँ तो ए दुनिया रे नाही, तेबे मु काहे कि तो सह रहिबी। सही समय रे अन्य तीन ननंद आसी ए सब कथा सुनिनेले आउ से माने तांको भाई को बहुत रागी गले। भाई आपण एमिति किपरि कले, आमको लज्जित लागुचि। देख भाई जहाँ भूल होइछि ताकु सुधारी निय, आम भाउज केवल कुसुम। विवेक कहिला ओ एबे तुमे माने ये गाउली पक्ष होइगलणी, एमितिरे भी तुम मानक मते भौणी डाकिबा को लाज लागी थाए, काहीकि ना तुमे चारि जण काली। भलो हेला ए महिला सह तुम मानक मु छाडुची, मु एबे मो स्त्री को नै सबु दिन पई चली जाउची। विवेक चली जिबा परे चारि ननंद कांदिबा को लागिले, भाई जणे महिला पई आम हाथ छाडी देला, भाई छोड़ा ये दुनिया रे आमर केही नाही, से आज आमको छाड़ी चली गला। प्रिया कहिला आमे चारि जण काली, तेणु भाई आम पाई लज्जित हुंती, अरे काली हेबा कौन पाप कि, कला रंग और गोरा रंग रे लोक माने एते फरक काहीकि करंती। कुसुम कहिला अरे तुम्हें माने काहीकि एपरि भावुछ, तुम्हें चारि जण मो पाई अमूल्य, तुम मानक छड़ा ए दुनिया रे मोर केही नाही, तुम साथी रे मु सबु बेले अच्छी। भाउजर कथा सुनी सेमाने कहिले भाउज तुम सह आमे केबे भी ठीक रे कथाबार्ता करिनु, तुम्हें सबु बेले आमको भलो पाउथिलो, किंतु आमे निजर गर्व देखाउथिलु। प्रिया कहिला भाउज तुम्हें आमको छाड़ी केबे भी जीवो नाही तो। कुसुम कहिला एपरि भाव नाही, तुम मानक छाड़ी मु कुआडे भी जीवि नाही। ता पर ठारु कुसुम चारि ननंद जत्न रखिला। वर्तमान चारिकाली ननंद घरर दायित्व नेले एवं चाकरी करी घर चलेइले। गोटे दिन चारि ननंद निज निज मध्यरे कथाबार्ता कले, जेउं दिन ठारु भाई कुसुम भाउज को छाड़िले से एकुटिया एकुटिया अनुभव करुछंती। तुम्हें ठीक कहुच, कुसुम भाउज एबे एकुटिया होइ जाइछंती, गोटे दिन आमर बाहागर होइ जीव, आउ भाउज तो एकुटिया ए घरे रहिबे,
प्रिया कहिला, मो मनरे गोटिए विचार आसीछि, आमे आमर भाउजंकु आउ थरे बाहागर करिदेबा। से एबे जवान अछन्ति, केही भी बाहागर हेब। प्रियार कथा शुणि तार चारि भौणी ए कथारे राजी हेले। से चारि जण कुसुम पाखकु गले, आउ बाहागर पई मनेइले। कुसुम कहिला, तुमे चारि जण किपरि कथाबार्ता करुछ, मु आउ थरे किपरि बाहागर होई पारिबि। भाउज टिकिए चिंता कर, आम चारि जणक बाहागर होइगले तुमे एकुटिया होइजिव, आउ तुमे बाहागर परे भी आम भाउज होइ रहिब। से चारि जण ताकु बहुत बुझेइले, आउ कुसुम राजी होइगला। किछि समय मध्यरे कार्तिक नामक जणे पुअर प्रस्ताव आसिला। कार्तिक जणे इंजीनियर थिला। पुणी किछि दिनरे बाहागर प्रस्तुति होइगला। आउ कुसुम को बधुबेशरे सजेई चारि नणंद आणिले एवं कार्तिक सह बाहागर होइगला। जेतेबेले विदाई समय आसिला, सेही समय रे अचानक विवेक आसिला। ए सबु कोन चालीछि, मु थाउ थाउ तुमे आउ जणकु किपरि बाहागर हेल, जेपरि तुमे आम भाउज को धक्का देई आउ जणकु बाहागर होइथिल, सेहीपरि निज स्त्री को आउ जणक सह देखि विवेक आखिरे लुह आसीगला। आउ ता भूलर ताकु पश्चाताप हेला। विवेक कहिला, मु ही भूल थी, मते क्षमा करि दियो कुसुम, अंजलि को तो मु बाहागर होइगले, किंतु से मोर सबु टंका सुना गहना नहीं आउ जणक सह पळेइला। कुसुमर चारि नणंद ता कथा शुणिलेनि, आउ तांको भाउजर विदाई खुशी खुशी कले। बर्तमान कुसुम कार्तिक सह खुशी रे रहिला। पूरा घर साजसज्जारे थिला, तेबे पार्वती कहिला, राजु तुमे एई बरबेशरे भारी सुंदर लागुच। राजु कहिला, भाउज जेतेबेले भाई ओ तुमर हात मो उपरे अछि, तेबे काहार नजर लागिबो। दियर भाउज एपरि कथाबार्ता करुथिले, तेबे राजुर बड़ भाई सुनील आसी कहिला, दियर भाउजकर जदि कथा सरिला तेबे जीवा, समय हेलाणी। बरजात्री सह समस्ते कन्यार घरे पहुँचिले। तेबे कन्यार माँ सावित्री कहिला, आपण समस्तंकु स्वागत, विवाहर समय हेलाणी, मु कन्याकु नेई आसुछि। सावित्री जाई ताहार झिय सबिता को कहिला, झिय मो कथा ध्यानर सह शुण, तो स्वामीर भाई भाउज ता पई सीता और राम, तु एपरि करिबु जेमिति राजु लक्ष्मणरु विभीषण हेब। सविता कहिला, देखु थाओ माँ, गोटिए थर मो पाद से घरे पड़ी जाओ। सवितार मनरे पूर्वरु अहम भाव भरी जाइथिला। विधि विधान अनुसारे विवाह संपन्न हेला। घर को पहुँचवा परे पार्वती कहिला, आम छोट परिवार को तुमको स्वागत सविता। सविता कहिला, जदि तुमर परंपरा सरला तेबे मोर रास्ता छाड़ी दियो, मु बहुत थकी जाइछि। सवितार एपरी कथाबार्ता देखि पड़ोसी महिला माने निज निज भितरे कथाबार्ता करिबा को लागिले। तेबे जमुना कहिला, पार्वती कि परि जाको बाहागर करि आनिछु, नुआ बहुर एपरी व्यवहार, छी छी। पार्वती कहिला, एमिति कौनसी कथा नाही, बाहागर रे नुआ बहु थकी जाइछि ना, तेणु तार मन चिड़िचिड़ा होई जाइछि। एहिपरि पार्वती कथाटाकु संभाली नेला, किंतु समय बीतिबा परे पार्वती को मध्य सवितार अहंकार सफा देखा जाउथिला। एहिपरि गोटिए दिन सविता, तुमे मो स्वामी उपरे कौन जादू करिछ, से सबु बेले तुमर गुणगान करुछि, तुमर तो कळ भरिलानी, आउ तुम भली बांझ को देखि देखि मो कळ भी भरिबनी। तेबे सही समय रे सुनील आसिला, आउ से कहिला, मो स्त्री को एमिति उच्च स्वर रे कहिबा को तुमर साहस किपरि हेला, पार्वती आज पर्यंत एथिपई माँ होइ परिलानी, जेमिति तुम स्वामीर देखाशुणा कम न हुए। तेबे राजु कहिला, बा पाई बा, तुम दुई जणक मनरे मो स्त्री पई केते अहंकार रहिछि, मते आज जना पड़ा, आमे एबे एठारे गोटिए मुहूर्त रहिबुनी। तेबे पार्वती सेमानकु बुझेइबाकु चेष्टा कला बेले से बेहोश होइ तळे पड़गला। डॉक्टर आसिले, आउ चेकअप करी कहिले कि पार्वती गर्भवती। एहा सुनी अहंकारी सविता निज कठरी को आसी कहिला, अचानक ए गर्भवती केमिति होइगला,
ପୁଣି ସବିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକ୍ କଲା ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋ ପିଲା ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆର ପିଲାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସମୟ ଏହିପରି ବିତି ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ଏଇ ଛୋଟମୋଟ ଚାଲ କିଛି ହେବନି, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ଜୁସ୍ ପାର୍ବତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ମରିଯିବ। ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆସି ସବିତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି କହିଲା, ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ତୁମର ଅସଲି ଗୁଣ ଦେଖିନେଲି ଧକ୍କାବାଜ ମହିଳା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି ତୁମର ଦିନରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସବିତା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି, ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ ଏ ଘରକୁ ତୁମେ ନର୍କ କରିଦେଇଛ। ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସୁନୀଲ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାଜୁ, ତୁମେ ସବିତାକୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ? ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରାଜୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁଣି ରାଜୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମୟ ବିତିବା ପରେ କିଛି ଦିନରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ସବିତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁନୀଲ, ତୁମର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ରାଜୁ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବିତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ସବିତା ଏ ନିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସବିତା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି।